वो सबसे डरावना होटल माना जाता है। क्यों? माना जाता है कि वहाँ पे एक शादी के जूड़े पहने हुए एक दुल्हन अक्सर भटकी हुई देखी जाती है। क्यों? शादी के दिन उसे उसका दूल्हा छोड़ के चला गया, जिसके कारण उसने विंडो से छलांग लगा दी और मौत के घाट उतर गई। लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि उसे उसके पति ने ही मार दिया। केटू मीटर, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपके आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी है या नहीं। मैंने दिनेश से कहा, क्या तुम्हें कुछ दिख रहा है? नहीं। मैंने फिर से पूछा, क्या तुम्हें कुछ पता चला? कैमरा में हाथ में पकड़े हुई एना ने जवाब दिया, नहीं। चलो अंदर चल के कुछ देखते हैं, शायद कुछ मिल जाए, मैंने कहा। मैंने रूम की चाबी निकाली और गेट खोला। रूम में काफ़ी अंधेरा था और ठंड भी बहुत थी। मैंने अपना हाथ दीवार पर फेरना स्टार्ट किया ताकि मैं लाइट का स्विच ढूंढ सकूं। वैसे तो मैं एक पैरानॉर्मल रिसर्चर हूं, लेकिन अंधेरे कमरे में जाने से मुझे भी ज़्यादा कुछ खास लगाव नहीं है। मुझे स्विच मिला और मैंने लाइट्स जला दी। रूम काफ़ी अच्छा दिख रहा था, सारा फर्नीचर एकदम बेस्ट, बेड बेस्ट। हमने एक बार फिर से अपने K2 मीटर और कैमरा पे करीब 1 घंटे तक जांच की, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला। करीब 1 घंटे बाद ऐना की आवाज़ आई, शांत रहो, और उसने अपने मुंह पर एक उंगली रख ली। तभी खामोशी को चीरते हुए एलिवेटर की आवाज़ आई और उसके बाद तेज़ तेज़ कदमों की। कोई एलिवेटर से बाहर आ रहा है, डेरन ने कहा। इसमें बड़ी बात क्या है? रात के 1 बज रहे हैं, एना ने कहा। शायद कोई किसी काम से जा रहा होगा, दिनेश ने बोला। उसके बाद एना ने अपना कैमरा ट्राइपॉड पे लगा के हम लोग वहाँ से बाहर आ गए। दिनेश अब अपने फ़ोन में गेम खेल रहा था। मैं बेड पे लेट के छत को देखने लगा। कुछ घंटे और बीत गए, एग्जैक्टली 4:11 पर सुबह सुबह फिर से एलिवेटर के डिंग की आवाज़ सुनाई दी और उसके बाद फिर से कुछ तेज़ कदमों की आवाज़। एना ने दरवाजे में से बाहर देखते हुए कहा, गाइस इधर आओ। हम बाहर गए लेकिन बाहर हमें कोई भी नहीं दिखा जिसके पैरों की आवाज़ आ रही हो। लेकिन मज़े ये थी कि एलिवेटर का गेट अभी भी खुला हुआ था। एना ने बोला, रिकॉर्ड करते रहो। हम सब के सब एलिवेटर के अंदर गए। हम अभी अंदर घुसे ही थे कि अचानक से एलिवेटर का बटन ना जाने कैसे खुद ही दब गए और एलिवेटर का गेट बंद हो गया। इससे पहले हम कुछ समझ नहीं पाते कि एलिवेटर तेज़ी से नीचे की तरफ जाने लगा। लिफ्ट 7वें और 8वें फ्लोर के बाद 5वें फ्लोर पे आके रुकी। गेट खुला, सामने एक खाली हॉल था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे 7th और 8th फ्लोर पे था इस बार। लेकिन जब गेट बंद हुआ तो एलिवेटर कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से नीचे की ओर जाने लगा, मानो कि वो अपनी पहले की स्पीड से 2 गुनी स्पीड में नीचे जा रहा हो। मैंने साइड बार पकड़े और ख़ुद को गिरने से बचाया। अचानक से फिर डिंग की आवाज़ आई और दरवाज़ा खुल गया। क्या बकवास है, 3rd फ्लोर में बिल्कुल अंधेरा था। पूरा नहीं, लेकिन इतना तो मानना पड़ेगा कि जो डिम लाइट आ रही थी उससे थोड़ा बहुत उजाला था, लेकिन जिस जिस फ्लोर पे अभी तक हम रुके थे उनसे कहीं ज़्यादा अंधेरा। दिनेश ने कहा, क्या तुम्हें ये समझ में आ रहा है? मेरा गला बिल्कुल सूख चुका था। कैमरे की तरफ देखते हुए मैंने कहा, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद मैंने वो देखा जिसे देखने के बाद मेरा दिल बहुत ज़ोर से धड़कने लगा। हॉल के सबसे आखिरी में एक परछाई दिख रही थी, एक मोटे से कद के आदमी की परछाई। देख तो नहीं रहा था कि वो है कौन, लेकिन पता इतना चल रहा था कि कोई ना कोई तो वहाँ पे खड़ा है। मैंने उन दोनों से कहा, कोई वहाँ पे है? मैंने फ़ौरन एलिवेटर का क्लोज डोर्स वाला बटन दबाया, लेकिन इसने काम नहीं किया। जो हॉल में सबसे आखिरी में खड़ा था वो लगातार हमारी ओर शायद घूरे जा रहा था कुछ अजीब से ढंग से। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन बस इतना कि वो शायद हमारी तरफ ही आ रहा था। मैं उधर देख ही रहा था कि अचानक से किसी ने मेरे को धक्का दिया और मैं मानो सीधा बाहर निकल के कारपेट पे गिर गया। मैंने गहरी सांस लेते हुए जब उठा और पीछे मुड़ के देखा तो एलिवेटर का गेट बंद हो रहा था। बंद होते दरवाज़ों से मैंने एना और दिनेश का चेहरा देखा जो कि मेरे को घूर रहे थे। मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाया, रुको, पर बहुत देर हो चुकी थी। मैंने फिर से एलिवेटर को लाने की कोशिश की, लेकिन एलिवेटर का बटन काम ही नहीं कर रहा था। अब मुझे सीढ़ियों से ही जाना चाहिए,
पूरे अंधेरे वाले हॉल में से मैं धीमे धीमे गुजरता हुआ सीढ़ियों की तरफ गया। मैं अभी हॉल में से गुजर ही रहा था कि पास में से ही एक बंद पड़े दरवाजे के अंदर से शायद किसी आदमी की आवाज़ आई। उधर से आवाज़ आई, मैं कोशिश कर रहा हूँ पिछले 3 दिनों से और मैं, इसके बाद आवाज़ बंद हो गई। तो मैंने उस दरवाज़े पर नॉक किया। मैं दरवाज़े को घूरते हुए वहीं पर खड़ा हो गया। मेरी नज़र एक बार दरवाज़े के नंबर पर पड़ी तो वहाँ लिखा था 308। दरवाज़ा एक धक्के के साथ खुला और उसके पीछे थी 2 घूरती हुई आँखें जो कि मेरी तरफ ही देख रही थी। वो शायद एक बूढ़ा आदमी था, उसके चेहरे की झुर्रियाँ ये साफ दर्शा रही थी। उसने फौरन कहा, तुम उनमें से एक नहीं हो। ओह नो, सुनिए, मैं यहाँ पे एलिवेटर से आया हूँ लेकिन एलिवेटर अब गायब हो चुका है और वो ऊपर भी नहीं आ रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पे अगर कोई और एलिवेटर हो तो? कुछ देर तक वहाँ पे शांति फैल गई और उसके बाद बहुत ही ज़ोर से उसने चिल्लाया, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। क्या, कोई दरवाज़ा ढूँढो, कोई खिड़की, कुछ भी, लेकिन यहाँ से निकल जाओ। और उसने दरवाज़ा मेरे मुँह पर ही बंद कर दिया। मैं कंफ्यूज होते हुए हॉलवे की तरफ फिर से बढ़ने लगा। धीरे धीरे मुझे ये भी नहीं पता चल पा रहा था कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ या नहीं, क्योंकि अंधेरा काफ़ी था। काफ़ी देर तक उस हॉल में घूमने के बाद आखिरकार मुझे सीढ़ियाँ मिल ही गईं। उसके बाद मैं धीरे धीरे चढ़ते हुए 8th फ्लोर पर चढ़ा गया। सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त मेरे दिमाग में बस उस आदमी की आवाज़ ही गूंज रही थी, निकल जाओ, निकल जाओ। उसके कहने का मतलब क्या था, मैं यही बात सोच रहा था। और उसके बाद हॉलवे में जो मैंने परछाई देखी थी आदमी की, मैं आपको बता दूं कि घोस्ट हंटिंग मैं पिछले 5 सालों से कर रहा हूं लेकिन ऐसा कुछ मैंने पहले कभी नहीं देखा। जब तक मैं ऊपर पहुंचा मेरे शरीर पसीनों से तर हो चुका था। ऊपर मैं जैसे ही चढ़ा यहां पे बिल्कुल वैसा ही था, हॉलवे बिल्कुल में अंधेरा था। मैंने सोचा शायद इस होटल में पावर का कुछ ज़्यादा ही बड़ा प्रॉब्लम है जिसके कारण यहाँ पर बिजली नहीं आ रही है। मेरे दिमाग को ये सोच के थोड़ा सुकून मिला कि शायद जो भी अब तक हो रहा था एलिवेटर में ये सब कुछ बिजली के कनेक्शन के प्रॉब्लम के कारण ही हो रहा होगा और वो बूढ़ा आदमी शायद दिमागी तौर पे स्वस्थ नहीं होगा। उस हॉल में कुछ ज़्यादा ही शांति थी इसलिए मैं धीमे धीमे ये सोचते हुए आगे बढ़ने लगा कि शायद सब लोग सो रहे होंगे। मैं आखिरकार रूम नंबर 812 में पहुँचा और अपनी चाबी लगा के गेट खोला और दरवाज़ा खुल गया। रूम में काफ़ी अंधेरा था, इतना अंधेरा कि शायद मेरे को लाइट का स्विच भी नहीं मिल पा रहा था। मैंने उस रूम में जाके आवाज़ लगाई, ऐना, दिनेश, लेकिन बदले में कोई भी आवाज़ नहीं आई। मैं गैलरी से होते हुए मेन रूम के अंदर गया लेकिन अंदर जाने के साथ ही जो मैंने देखा वो देख के मेरा खून बिल्कुल जम सा गया। मैंने देखा कि वहाँ पर खिड़की के पास एक लड़की की जैसी आकृति खड़ी हुई है जिसका मुँह दूसरी तरफ है और उसने वाइट कलर की वेडिंग ड्रेस पहनी हुई है। ये देखने के बाद मैं पहले तो चौंक गया और फिर मैंने आवाज़ लगाई, हे सुनो, तुम हमारे रूम में क्या कर रही हो? ये वर्ड्स मेरे मुंह से पूरे निकलने ही वाले थे कि वो खिड़की से बाहर कूद गई। कांच के टूटने की आवाज़ और फिर हवा में किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज़ से मेरा दिल पूरी तरीके से दहल चुका था। और जब तक मैं खिड़की के पास पहुंचा मुझे सिर्फ नीचे फैला हुआ मांस और एक लाश दिखी थी। मेरा पूरा मन बिल्कुल विचलित हो चुका था और अब मेरे को लग रहा था कि मैं कुछ ही देर में उल्टी भी कर दूंगा। मैंने अपना फ़ोन निकाला और ऐना को फ़ोन करने की कोशिश की लेकिन यहाँ पे सिग्नल नहीं आ रहा था और दिनेश को भी कॉल करते वक्त यही प्रॉब्लम मेरे साथ हुई। तभी मेरी आंखें रूम में रखे होटल टेलीफोन पर गई। मैंने फ़ौरन उसके पास गया और डायल करा 0 जो कि रिसेप्शन वालों का नंबर था। कुछ ही देर बाद फ़ोन वो उठाया गया। मैंने कहा, हे, मेरे रूम में मेरे दोस्त मुझे नहीं मिल रहे हैं और इसी रूम में से अभी एक लड़की ने नीचे छलांग मार दी है। उस तरफ से सिर्फ एक ही आवाज़ आई, फ्रंट डेस्क पे बहुत जल्दी आ जाइए। और उसके बाद लाइन कट गई। मैंने धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल के फिर से उन 8 फ्लोर्स की सीढ़ियों पर निगारा। वो सीढ़ियाँ काफ़ी लंबी थी। आखिरकार मैं जैसे तैसे नीचे की तरफ पहुँच ही गया और मैंने रिसेप्शन पर देखा तो वहाँ पर सारे चेहरे अनजान थे। जैसा कि जब मैं आया था तब वहाँ पे वो लोग नहीं थे लेकिन अब वो मुझे कुछ अजीब प्रकार के लोग ही वहाँ पे दिखे। फिर मैंने एक बार पीछे मुड़ के देखा तो सिर्फ डार्कनेस ही डार्कनेस मुझे चारों ओर दिखाई दी। मैं फ़ौरन फ्रंट डेस्क की ओर भागते हुए गया और ज़ोर से चिल्लाया, हेलो, कोई यहाँ पे है? उधर से आवाज़ आई, हाँ रुकिए। एक आदमी मेरी तरफ तेज़ी से आया, शायद 30-35 साल की उसकी उम्र हो रही होगी।
मैंने फ़ौरन उस पर बताया कि कोई 8वें फ्लोर से अभी अभी नीचे कूदा है, लेकिन उसका जो रिएक्शन था उसे सुन के मेरे कानों तले ज़मीन खिसक गई। उसका जवाब आया कि डरने की कोई बात भी नहीं है, वो ऐसा करती रहती है। मैंने कहा, मुझे माफ़ कीजिए, आपने क्या कहा? उसने कहा कि आपने लगता है इस बात को नोटिस नहीं किया, आप अब उस जगह पर नहीं हैं जहाँ से आप आए हो, एक बार आसपास नज़र घुमा के तो देखो। मैंने उनसे कहा, ये एलेक्स होटल नहीं है? तो उन्होंने कहा, नहीं, ये उसकी तरफ दिखता काफ़ी हद तक है, लेकिन ये वो नहीं है। मेरा दिमाग अब बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा था। मैंने उससे कहा, क्या आप प्लीज़ मुझे बताओगे यहाँ पे हो क्या रहा है? मैंने अभी अभी एक वूमेन को ऊपर से कूदते हुए देखा है और आप कह रहे हैं कि? उसने कहा, हाँ बिल्कुल, एक बार मेरी बात ध्यान से सुनो, उसके बाद तुम्हें समझ में सब कुछ आ जाएगा। और अब की बार मेरी नज़र उसके चेहरे पर ध्यान से गई तो मेरे होश उड़ गए। उसकी आँखें काफ़ी ज़्यादा ही फैली हुई थी और उसके लिप्स काफ़ी पतले थे। जो लिफ्ट तुम्हें यहाँ लेके आई है वो लिफ्ट तुम्हें यहाँ से नहीं बल्कि दूसरे ही आयाम से हमारी दुनिया में लेके आ गई है। मैंने बहुत ही डरते हुए कहा, मतलब क्या मैं मर चुका हूँ? उसने कहा, नहीं नहीं नहीं, अभी पूरी तरीके से नहीं, लेकिन अगर तुम जल्दी यहाँ से नहीं निकले तो तुम ज़रूर मर जाओगे। मैंने फ़ौरन जवाब दिया, तो मैं यहाँ से वापस कैसे जाऊँ? ऐना और दिनेश से कैसे मिलूं? वो मेरे सामने अब पागलों की तरह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और उसने सिर्फ इतना कहा कि तुम्हें उनकी कुछ ज़्यादा ही चिंता नहीं हो रही है? तो मैंने जवाब दिया, वो मेरे बिजनेस पार्टनर्स हैं, मेरे दोस्त हैं वो। उसने कहा, क्या तुम्हें पक्का विश्वास है? मैंने कहा, मतलब? तो उसने जवाब दिया, उन्होंने तुमसे झूठ बोला, याद है तुम्हें जब 3रे फ्लोर पर तुम पहुँचे थे तो तुम्हें पीछे से धक्का दिया गया था? वो धक्का किसी और ने नहीं बल्कि ऐना और दिनेश ने ही दिया था। उन्हें सब के बारे में पता था कि उस फ्लोर से तुम इस जगह पे आ सकते हो और यहाँ पे फंस सकते हो, और तुम्हारे दोस्तों ने ही तुम्हें मारने की कोशिश की है, जो कि बहुत ही जल्द सच्चाई में भी बदलने वाली है। मैंने कहा, आप अब कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं, मुझे लगता है अब मुझे कुछ करना ही होगा। आप जानते ही क्या है मेरे बारे में जो आप ये सब बोल रहे हैं? उन्होंने कहा, मैं जानता तो कुछ ज़्यादा ही हूँ। जब तुम 10 साल के थे तो तुमने गन चुराई थी, जब तुम 18 साल के थे तो तुम बहुत उदास हुए थे। मैंने डरते हुए कहा, तुम ये सब जानते कैसे हो? मेरे पास मेरे जानने के तरीके हैं, यहाँ पे शायद तुम्हें पता नहीं है, यहाँ पे काफ़ी सारी पैरालौकिक शक्तियाँ हैं जो काम कर रही हैं, क्योंकि ये हमारी दुनिया है, तुम्हारी नहीं। मैंने फ़ौरन जवाब दिया, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों कहा? उसने लेकिन ये जवाब दिया, इंसानों की पहले की आदत लालच, उन्होंने लालच के लिए तुम्हें यहाँ पे धक्का दे दिया ताकि तुम मर जाओ और बिजनेस का सारा कंट्रोल उन्हीं दोनों के हाथ में आ जाए। मैं ये बात मानना तो नहीं चाहता था, लेकिन जिस तरीके से उसने मेरे को ये बताई थी, मुझे इस पे यकीन करना ही था और मुझे पता भी था अंदर से कि ये सब वो सही कह रहा है। तो मैंने उससे बस इतना कहा कि मैं वापस कैसे जाऊँ? उसने कहा, ओहो, मैं ये आपको नहीं बता सकता, और अब तुम्हें यहाँ से निकलने में काफ़ी देर हो चुकी है। मैंने फ़ौरन पीछे मुड़ के देखा तो पूरे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और काले काले लोग कई सारे मेरी तरफ ही तेज़ी से आ रहे थे। अब मेरे अंदर पता नहीं कैसे अचानक से कुछ हिम्मत बंधी और मैं सीधे भागते भागते अंधेरे को चीरते हुए काफ़ी दूर तक आ गया। काफ़ी देर भागने के बाद मुझे आखिरकार लिफ्ट का वही बटन दिखाई दिया। मैं फ़ौरन उसके पास भागते भागते गया और लिफ्ट के बटन को दबाना शुरू कर दिया, और हैरानी की बात तो ये थी कि आखिरकार इस बार लिफ्ट आ भी गई। एलिवेटर आ तो गया लेकिन उसके दरवाजे खुल ही नहीं रहे थे। पता नहीं मेरे अंदर इतनी ताकत कहाँ से आई, लेकिन मैंने एलिवेटर के बीच में हाथ लगा के इतनी ज़ोर से पावर लगाई कि वो एलिवेटर का गेट खुल गया और मैं सीधे अंदर गया, और मैंने 8th फ्लोर का बटन सीधे दबा दिया। अचानक झटके के साथ दरवाजे बंद हुए और मुझे उन अजीब से लोगों की परछाइयाँ दिखनी बंद हुई। धीमे धीमे अब एलिवेटर ऊपर की ओर जाने लगा और उन सब की चीखें चिल्लाने की आवाज़ कम होती गई। धीमे धीमे अब बिल्कुल शांति हो गई थी। मुझे लगा था कि अब तो लगभग तक ये सब कुछ ख़त्म हो ही चुका है, लेकिन शायद भगवान मेरी खुशी इस वक्त नहीं चाहते थे। और कुछ ही देर बाद अचानक से एक बहुत तेज झटके के साथ एलिवेटर रुक गया। काफ़ी अजीब तरीके से एलिवेटर की लाइट्स जलने बुझने लगी और आसपास से तेज़ तेज़ी से खड़खड़ाने की आवाज़ आने लगी। अब एलिवेटर पूरी तरीके से रुक चुका था। मेरे दिमाग में बस एक ही बात आ रही थी, अब तो मैं मर ही जाऊँगा, और मैंने बहुत ज़ोर से आवाज़ लगाई, प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं अभी मरना नहीं चाहता। हंस हंसने की आवाज़ें धीरे धीरे मेरे कानों में गूंजने लगी। वो कई सारी आवाज़ें अचानक से
एक ही आवाज में बदल के बोली, बदले में कुछ तो चाहिए। मैंने कहा, क्या चाहिए प्लीज मुझे बताओ। उस तरफ फिर से एक बार भारी सी आवाज आई, कुछ भी लेकिन तुम्हारे अलावा। मैंने कहा, बताओ तो सही तुम्हें चाहिए क्या। तो उधर उनकी आवाज आई, दो लोग, हमें तुम्हारी जगह दो लोगों की जान चाहिए। मैंने कहा, ठीक है बस मुझे जिंदा छोड़ दो, मैं तुम्हें दो लोगों की जान दिलवा दूंगा। बस मेरे इतने कहने की ही देर थी कि पूरा एलिवेटर बिल्कुल शांत हो गया और एलिवेटर फिर से वापस से काम करने लगा और धीरे धीरे चालू भी हो गया और एलिवेटर सीधा जाके अब 8th फ्लोर पे जाके रुका। लेकिन एलिवेटर के रुकते के साथ ही अचानक से पता नहीं क्या हुआ और मैं बेहोश हो गया। मेरी बेहोशी करीब पता नहीं कितनी देर बाद आ जाके खुली और मैंने देखा कि मैं किसी सॉफ्ट चीज़ पर लेटा हुआ हूँ। और मैंने ऊपर देखा तो मेरे को छत की सीलिंग साफ साफ दिख रही थी। मैंने मन में ही सोचा, मैं हूँ कहाँ। मैं उठ के एक बार बैठा तो मैंने देखा हॉलवे और चेयर बेड। मैं समझ गया था कि मैं रूम नंबर 812 में वापस आ चुका हूँ। और रूम के किनारे पे मैंने देखा खिड़की के पास ऐना और दिनेश खड़े हुए हैं, लेकिन उन्हें शायद मेरे बारे में पता नहीं है कि मैं यहीं पे हूँ। वो शायद उसी लेडी के बारे में जांच लेकर रहे होंगे। ऐना ने अपना कैमरा पकड़ रखा था और उन्हें मेरे बारे में अभी बिल्कुल भी नहीं पता था। ऐना ने शायद कूद गई होगी। दिनेश ने बोला, नहीं वो कूदी नहीं, शायद उसे धक्का दिया गया होगा। अचानक से मेरे मन में वो आवाज़ें गूंजने लगी कि तुम्हारी जगह दो लोगों की जान चाहिए। रास्ता साफ था, अगर मुझे ज़िंदा रहना है तो दिनेश और ऐना की जान गंवानी पड़ेगी। और वैसे भी बदले का यही सही वक्त है, क्योंकि उन्होंने भी मुझे जान से मारना चाहा। बिल्कुल धीमे धीमे कदम बढ़ाते हुए मैं खिड़की के पास पहुंच गया और उन्हें मेरे बारे में पता भी नहीं चला। और एक झटके के साथ मैंने उन्हें बहुत ज़ोर से धक्का दिया और खिड़की तोड़ते हुए वो दोनों के दोनों नीचे गिर गए। मैंने धीरे धीरे वापस बेड के पास आया, होटल का फ़ोन उठा के फ्रंट डेस्क पे मिला दिया और उधर से हेलो की आवाज़ आई। मैंने बहुत ही पैनिक्ड आवाज़ में बोला, मेरे दोस्त, उनका बहुत ही भयानक हादसा हो गया है। वो यहाँ पे विंडो के पास खड़े ही थे और अचानक से उनका बैलेंस बिगड़ गया और दोनों के दोनों, ओ माय गॉड, वो दोनों नीचे गिर गए और वो मर चुके हैं। इतना कहते के साथ ही मैंने एक झटके में फ़ोन को काट दिया। मेरे चेहरे पे अब भाव साफ थे कि आखिरकार मैंने अपनी जान बचा के लोगों की जान ले ही ली। और उसके बाद से एक बात तो साफ हो गई कि अगर रूम नंबर 812 पहले अगर हॉन्टेड नहीं था ना, तो अब वो ज़रूर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये कहानी, ये बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ते एक और सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।